अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, कल रात से ही हमारे गांव में लाइट नहीं है और हमारे गांव का ट्रांसफार्मर का बीओ उड़ गया है इसी के वजह से, और घर में पानी वगैरह भी नहीं है। बहुत ही सुबह का काम करने में थोड़ा दिक्कत गया आज, और नाश्ता वगैरह भी आज हम लोग चूल्हा में ही बना कर खाए हैं। अभी का टाइम लगभग 10 बज रहा है और अभी तक लाइट बनाने वाले मिस्त्री भी नहीं आए हैं। पता नहीं लाइट भी कितना टाइम आएगा, तो आज को नहाने के लिए नदी भी जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अभी धूप किया है तो मैं गेहूं को अच्छे से सुखा देती हूं, गेहूं भी सूख जाएगा, और मैं थोड़ा सा चना को भी सुखा दूंगी दाल दररने के लिए, क्योंकि घर में दाल भी खत्म हो गया है। तो सोच रही हूं कि चना का दाल बना लूंगी। चना का दाल भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आज चना का दाल ही शाम को बनाऊंगी। पहले उसको सुखा देती हूँ, थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर मैं दररूंगी दाल को। तो ये देखिए दोस्तों, सासू अम्मा थोड़ा सा गेहूं दिए हुए हैं, तो उसको मैं अच्छे से सुखा देती हूँ, धूप भी किया है तो। और पहले का आटा थोड़ा बहुत ही बचा है, तो 4-5 दिन ही चलेगा, फिर आटा भी खत्म हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से गेहूं सूख जाएगा, तो इसको मैं जल्दी से पिसवा लूंगी। तो दोस्तों, घर में दाल भी खत्म हो गया है, और जो सरकार के तरफ से चना वगैरह मिलता है वो है थोड़ा सा, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि उसको भी अच्छे से चुन के सुखा देती हूँ, फिर उसको भी दरर लूंगी। और दोस्तों, दाल दररने वाला हम लोग का घर में ही है, तो हम लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है, घर में ही हम लोग दाल को अच्छे से दरर के बना लेते हैं। तो दोस्तों, बात करते करते मेरा चना दाल भी अच्छे से गर्म हो गया है दररने लायक। वैसे तो मैं कल ही चना दाल को अच्छे से सुखा दी थी, तो चलिए अब दररना स्टार्ट करते हैं चक्की में। देखिए दोस्तों, पूरा चना दाल अच्छे से मैं दरर चुकी हूँ, और यहाँ बहुत ज्यादा गंदा वगैरह हो गया है। तो चलिए पहले चना को अच्छे से फटिक लेते हैं, साफ कर लेंगे, फिर यहाँ का झाड़ू अच्छे से लगा दूंगी तो यहाँ भी साफ हो जाएगा। दोस्तों, ट्रांसफार्मर बनाने वाले मिस्त्री लोग आए थे, लेकिन फिर से थोड़ा सा बना कर गए, और तुरंत ही डीओ फिर से उड़ गया, तो फिर से शायद आएंगे लगता है बनाने के लिए, और अभी तक तो लाइट नहीं आया है। अब लगता है कि लाइट आने में शाम हो जाएगा, तो हम लोग को नदी ही जाना पड़ेगा नहाने के लिए। तो चलिए पहले अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर नदी चलेंगे नहाने धोने के लिए। तो दोस्तों, लाइट का बहुत ज़्यादा हम लोग इंतज़ार किए, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आया, तो हम लोग को नहाने के लिए नदी ही जाना पड़ेगा। और इधर अलीजा के अम्मी लोग भी जा रहे हैं नदी, तो साथ में ही नदी जाकर आ जाएंगे नहा धोकर। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग नदी पहुंच चुके हैं, और नदी में अभी इतना ही पानी है, और कुछ साल पहले नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता था क्योंकि बारिश अच्छा होता था। इस साल तो बारिश भी अच्छे से नहीं हुआ, इसी के वजह से नदी में पानी भी थोड़ा कम है। तो चलिए दोस्तों, नदी में नहाने लायक जगह बना लेते हैं। और दोस्तों, नदी में नहाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और बाल भी बहुत ही अच्छा सिल्की सिल्की हो जाता है नदी के पानी में। और आप लोग नदी में नहाए हैं कि नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। पूरा कपड़ा को मैं अच्छे से खींच ली हूँ, तो चलिए सब कपड़ों को अच्छे से फरिया देते हैं। और ज़्यादा कपड़ा आज मेरे पास धोने के लिए नहीं था, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, फिर नहा धो के रेडी हो जाऊँगी, फिर घर चली जाऊँगी। बुलबुल को भी छोड़ कर आई हूँ। तो दोस्तों, हम लोग नहा धो के रेडी भी हो चुके हैं, और पूरा कपड़ा वगैरह भी धुला चुका है, तो चलिए अब चलते हैं घर, घर में जाके मिलते हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम लोग नदी से नहा धोकर आ चुके हैं घर, और अभी शाम का 5 बज रहा है, और अभी से हमारे घर में लाइट भी नहीं आया है, ट्रांसफार्मर जल गया है इसके वजह से, और मिस्त्री लोग भी बनाकर चले गए, फिर भी लाइट नहीं आया, थोड़ा सा आया था फिर से जल गया वो। तो घर में पानी वगैरह भी नहीं है एक ठो पीने के लिए, तो चलिए अब चलते हैं बोरिंग पानी ले आएंगे, फिर रात का तैयारी करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। और दोस्तों, पता नहीं इस बार कैसे ट्रांसफार्मर इतना जल्दी खराब हो गया, क्योंकि अभी अभी ही ट्रांसफार्मर हमारे गाँव में लगा हुआ था, और बहुत ही जल्दी ट्रांसफार्मर भी जल
गया इस बार। दोस्तों ऐसे लाइट कट जाता है तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाता है, पानी सबका भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ दूर दूर तक पानी भी नहीं, सिर्फ एक बोरिंग है, उसमें भी ढंग से पानी अच्छा से नहीं निकल पाता है, थोड़ा थोड़ा ही निकलता है। उसी को हम लोग हिला हिला कर लाते हैं घर में, हर चीज का बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाता है। तो डिम लाइट भी नहीं है, पिछले बार जब ट्रांसफार्मर थोड़ा सा उड़ा था तो हल्का हल्का डिम लाइट भी आ रहा था, तो मोबाइल वगैरह भी थोड़ा बहुत चार्ज हो जा रहा था, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा भी लाइट नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा हम लोग को। देखे दोस्तों हम लोग बोरिंग पहुंच चुके हैं पानी लेने के लिए, और आप देख सकते हैं बोरिंग का पानी भी एकदम थोड़ा थोड़ा निकल रहा है हिलाने से भी। और पता नहीं ऐसे पानी को हम लोग कितना लेट तक हिलाएंगे और कैसे भर के ले जाएंगे घर में, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हम लोग। और शाम भी बहुत ज्यादा हो गया है अभी, और दोस्तों घर में एक थोड़ी पानी नहीं है, खाना वगैरह बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा अभी हम लोग को। देखिए दोस्तों बहुत मुश्किल में एक डेगची पानी निकला है, और बहुत अभी बहुत ही दिक्कत हुआ पानी भरने में, और अभी हम लोग का पारी है तो चलिए अब हम लोग भी भर पाते हैं कि नहीं जल्दी से पानी। एक तो भी पानी नहीं निकल रहा है बोरिंग से। तो ये देखिए दोस्तों बहुत मुश्किल में मैं आधा डेगची पानी भर पाई हूँ, और इतना ही को लेकर जा रही हूँ घर। बहुत रात भी हो जा रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा मच्छर भी काट रहा है, तो चलिए चलते हैं घर। अरे असमंजस पूछ से रात हो। तो दोस्तों मैं पानी लेकर आ चुकी हूँ, और सिर्फ मेरे को आधा डेगची ही पानी मिला है, हिलाते हिलाते मैं थक भी गई। और ये देखिए घर आने के बाद मैं आग भी जला ली हूँ, तो आग भी अच्छे से जल गया है। और चलिए अब खाना बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया कि आधा डेगची पानी को मैं कैसे यूज करूँगी, उसमें मैं खाना बनाऊँगी कि चावल वगैरह धोऊँगी कि हम लोग उतने ही को कैसे पिएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा पानी को, बचा बचा कर ही काम चलाना पड़ेगा आज के लिए। तो दोस्तों पता नहीं इस बार कितना दिन में ट्रांसफार्मर लगेगा और लाइट आएगा, उस बार तो 15-20 दिन लग गया था लाइट आने में। तो ये देखिए अभी अभी रोशनी के अबू एक डब्बा मोमबत्ती लेकर आए हैं, तो उसी को मैं निकाली हूँ, तो चलिए पहले मोमबत्ती जला लेते हैं फिर चावल वगैरह को धोएंगे। तो चलिए अब इसको रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरा खाना भी बन के रेडी हो चुका है, और रात के सब्जी में मैं लौकी का सब्जी बना रही हूँ, तो लौकी को भी मैं अच्छे से छौंक दी हूँ। और दोस्तों हमारा मोबाइल में बैटरी भी नहीं है और चार्ज भी ख़त्म हो गया है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।